रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू ऑल माय लिसनर्स, मैं रियानी आरजे मिस्टर की तरफ से एंड वेलकम टू आवर शो संघर्ष की उड़ान ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज के समय में अगर इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें से एक खास नाम सबसे ऊपर आ जाता है जो लोगों के दिलों में आजकल और पिछले बहुत सालों से राज कर रहा है। आज वो जिस मुकाम पर हैं, शायद ही कोई सिंगर इतनी जल्दी सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। आज हर दूसरी या तीसरी फिल्म में उनके गाने सुनने को मिलते हैं और उनके गाने इतने बेहतरीन होते हैं कि आपका दिल करेगा कि आप उन गानों को बार बार सुनें। अपने दिलकश आवाज के लिए ये गायक मशहूर हुए फिल्म आशिकी 2 के गाने तुम ही हो से, और यहीं से उनकी सफलता का दौर शुरू हुआ। जी हाँ, हर कोई समझ चुका है कि आज हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। इनके गानों की खास बात ये है कि इनके गानों को चाहे आप कितना भी सुन लें, फिर भी इनके गानों को बार बार सुनने का दिल करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम अरिजीत सिंह की जिंदगी के सफर को सुनेंगे सुनाएंगे, कैसे अरिजीत सिंह बने एक महान सिंगर, चलिए सुनते हैं। अरिजीत सिंह एक म्यूजिक प्रोग्रामर और एक गायक है। अरिजीत का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अरिजीत सिंह एक प्लेबैक गायक है। अरिजीत सिंह कई प्रादेशिक भाषाओं में गाना गा चुके हैं। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी और तेलुगु आदि भाषाओं में गाने गाए हैं। मात्र छोटी सी उम्र में अरिजीत ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया, जहाँ तक पहुँचने में दूसरों को शायद कई साल लग जाते हैं। सिंपल से दिखने वाले अरिजीत सिंह आज हिंदी भाषा और हिंदी फिल्मों में गाने गाकर एक नया इतिहास रचने में लगे हैं। आगे बढ़ेंगे अरिजीत सिंह की जिंदगी के सफर पर, लेकिन उससे पहले सुनेंगे उनका सबसे हिट और सबसे प्यारा गाना। यूं तो उनका कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो शायद ही लोगों को पसंद ना हो, और यकीन मानिए जब मैं इस शो की स्क्रिप्ट रेडी कर रही थी, मैं इतने असमंजस में थी कि मुझे कौन से गाने चुनने चाहिए, क्योंकि उनका हर एक गाना एक से बढ़कर एक है। तो चलिए सुनते हैं उनका ये गाना दुआ।
के सदा जो भेजी थी अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता जीवन बीमा निगम में कार्य करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। अरिजीत की शिक्षा जिगांश राजा बिजॉय हाई स्कूल से हुई। अरिजीत का स्कूल के दिनों से गायकी की ओर रुझान था। बचपन से ही गाने का उन्हें काफी शौक था। अरिजीत की माँ वैसे तो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन कभी कभी मन बहलाने के लिए गाने गाया करती थी और तबला भी बजा लेती थी। अरिजीत की नानी भी एक अच्छी गायिका थी। अरिजीत की मासी भी म्यूजिक में रुचि लेती हैं, मतलब पूरे परिवार की म्यूजिक में ज्यादा दिलचस्पी थी। अरिजीत को गायक बनने की प्रेरणा अपने घर से ही मिली थी। ले चलेंगे आपको अरिजीत की जिंदगी के दूसरे पहलुओं में बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं? क्या आप अपनी जिंदगी से हो गए हैं बोर? क्या आप तलाश में हैं किसी ट्रिप की जिसमें होगी फुल ऑन मस्ती, 2 नाइट 3 डेज का स्टे, वो भी 5 स्टार होटल में, डीजे नाइट, सफारी, डिलीशियस फूड, स्विमिंग पूल, गेम्स और बहुत कुछ? अरे फिर तो ये ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव होगा। नहीं नहीं, राइजिंग स्टार्स टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर जा रहा है जिम कॉर्बेट 26 अप्रैल को, वो भी सिर्फ 2,999 रुपीस में। बिल्कुल, ऋषिकेश और जयपुर के बाद अब इस ट्रिप पर जाने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी बताओ इस ट्रिप में जाने के लिए किससे कांटेक्ट करना है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8527118161 पर। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू आवर शो संघर्ष की उड़ान, मेरे यानी आज मिष्टी के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सन 2005 में सोनी टीवी द्वारा एक सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल का आयोजन किया गया।
इस शो में भाग लेने के लिए अरिजीत को उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने मनाया था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अरिजीत ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद हजारी से ली थी, साथ ही तबला वादन की शिक्षा इनको धीरेन्द्र प्रसाद हजारी ने दी थी। अरिजीत ने रविंद्र संगीत एवं पॉप म्यूजिक को बीरेंद्र प्रसाद हजारी से सीखा था। इस शो में भाग लेने के लिए अरिजीत को उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने मनाया था। उनका कहना था कि क्लासिकल म्यूजिक अब पुराना माना जाने लगा है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना होगा। अरिजीत को इस शो में भाग लेने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला कि इस शो में जूरी जज में शंकर महादेवन जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस शो में जाने का फैसला किया, क्योंकि शंकर भी क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड से हैं। अरिजीत इस शो के लिए चुन लिए गए और वे टॉप 6 तक भी पहुँचे, लेकिन फिर जनता के कम वोट की वजह से वे बाहर हो गए। अरिजीत को इस समय बहुत लोग तो नहीं जान पाए होंगे, लेकिन टीवी में आने की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग तो बन ही गई थी। इसके बाद अरिजीत ने सोनी के ही दूसरे रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया। इसमें फेम गुरुकुल एवं इंडियन आइडल शो के प्रतियोगियों का म्यूजिकल फेस ऑफ था। अरिजीत ये शो जीत गए, जिसके साथ ही जनता में उनकी चाहत बढ़ने लगी। इसी जीत के बाद अरिजीत ने म्यूजिक प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए खुद का रिकॉर्डिंग सेटअप लगा दिया। इसके कुछ बाद अरिजीत ने शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर एवं मिथुन के साथ असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर बनकर काम किया। इस दौरान शंकर महादेवन ने अरिजीत को बहुत सपोर्ट किया। वो निर्माता लोगों को अरिजीत से गाना गवाने के लिए बोलते थे, साथ ही बोलते थे कि अरिजीत आने वाले कल की आवाज है, लेकिन निर्माता शंकर की बात नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था नई आवाज को मौका देना बहुत बड़ा रिस्क है और वो पॉपुलर आवाज के साथ ही काम करना चाहते थे। बताएंगे आपको कि कैसे बने अरिजीत सिंह आज के चमकते हुए सितारे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे उनका एक और बहुत प्यारा गीत जो हमारे लिसनर्स की रिक्वेस्ट पर प्ले किया जा रहा है, और वो गाना है मस्त मगन फिल्म 2 स्टेट से। इश्क की धुन रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए, कैसे छुपाए।
तुझको सुहाए, तुझ संग सुखी रोटी भाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, तेरा नाम। अरिजीत को पहला ब्रेक शंकर एहसान लॉय ने अपने म्यूजिक एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल एल्बम 2 में दिया, जिसमें अरिजीत ने ऑल फॉर वन गाना गाया। इसके बाद अरिजीत ने सन 2010 में प्रीतम चक्रवर्ती के साथ काम करना शुरू कर दिया, जहां प्रीतम ने उन्हें 3 फिल्म गोलमाल 3, क्रूक एवं एक्शन रिप्ले में काम करने का मौका दिया। सन 2011 में अरिजीत का पहला बॉलीवुड डेब्यू हुआ। इन्होंने मिथुन के कॉम्पोजिशन में मर्डर 2 का गाना फिर मोहब्बत करने के लिए गाया, जिसे बहुत बड़ी सफलता मिली और यहां से इनका करियर शुरू हुआ। यहां से इनका सितारा बनने का सफर शुरू हुआ। ये गाना अरिजीत ने सन 2009 में रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये रिलीज हुआ सन 2011 में। चलिए सुनते हैं उनकी बॉलीवुड डेब्यूटेंट फिल्म का पहला गाना, फिर मोहब्बत। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया हो, जब सह तन्हापन से तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना मैं, जानू ना। ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर चला है तू।
राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता। क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, ओ, ओ संभल कुछ भी नहीं जब दरमियां, फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता, चाहा कि दे तुझको भुला पर ये भी मुमकिन हो ना। चलेंगे आपको उनके जिंदगी के दूसरे सफर पर और सुनाएंगे उनके बेहतरीन गाने बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दे से आई एम ब्लाइंड बट आई कुड फील द इंटेंसिटी ऑफ शाहजहांस लव फॉर मुमताज एट द ताजमहल। दे से आई एम डेफ बट आई सेंस्ड द डिवाइन वाइब्रेशंस ऑफ द चर्च बेल्स इन केरला। They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. Western Beat, the show where you can find loads of fun, happiness and some sizzling Western music with me, RJ Neha. You can catch me every Tuesday at 7 p.m. and rewebcast every Wednesday at 2 p.m. So keep tuning to Radio Udaan, a flight of life. जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता खल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Run. Welcome back to our show Sangarsh Ki Udaan Mere Yani RJ Mishti ke saath, only on Radio Udaan, a flight of life.
सन 2012 में अरिजीत ने प्रीतम के कॉम्पोजिशन में फिल्म एजेंट विनोद का गाना राबता गाया, जिसके सफलता को देखते हुए प्रीतम ने इसे अरिजीत से चार अलग अलग वर्जन में गवाया और रिलीज किया। इसी साल प्रीतम के साथ अरिजीत ने प्लेयर्स कॉकटेल एवं बर्फी में भी काम किया। अरिजीत ने 2012 में विशाल शेखर के लिए फिल्म शंघाई में दुआ गाना गाया, इसके लिए अरिजीत को अवार्ड भी मिला और ये गाना हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, तो सुनते हैं फिल्म एजेंट विनोद का गाना राबता। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, अरिजीत भी उन्हीं का एक उदाहरण है। सन 2013 अरिजीत के करियर का सबसे सफल साल रहा। इस साल अरिजीत ने मिथुन के कॉम्पोजिशन में म्यूजिकल फिल्म
आशिकी 2 के लिए तुम ही हो गाना गाया, जो उनके करियर का सबसे बड़ा हिट रहा। इस रोमांटिक गाने को बहुत अधिक पसंद किया गया, जिसने ढेरों अवार्ड्स अरिजीत को दिलाए, जिसके बाद अरिजीत एक प्रसिद्ध गायक बन गए। इस फिल्म में म्यूजिक जीत गांगुली ने दिया था, जिनके साथ मिलकर अरिजीत ने फिल्म के बाकी गानों में भी काम किया। जीत को इस फिल्म के लिए फ्रेश आवाज चाहिए थी। उन्होंने अरिजीत का गाना दुआ YouTube में सुना, जिसके बाद उन्होंने अरिजीत को आशिकी 2 के लिए मना लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको ये गाना ना सुनाएं? चलिए सुनते हैं आशिकी 2 का गाना तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर
2013 में अरिजीत ने करण जौहर की फिल्म ये जवानी है दीवानी में प्रीतम के साथ काम किया और फिल्म में लगभग सभी गाने गाए और इस फिल्म का हर एक गाना बेहद हिट हुआ। इस फिल्म के एक गाने बलम पिचकारी के लिए अरिजीत को म्यूजिक प्रोड्यूसर भी बना दिया गया। अरिजीत के अनुसार ये समय उनके करियर का बहुत महत्वपूर्ण समय था, इसने उन्हें बेहतर संगीतकार बनने में मदद की। इस फिल्म का एक और गाना है जो लोगों को बेहद पसंद आया और वो गाना है कबीरा। चलिए सुनते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना कबीरा। कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी किसी ठोर टिके ना पाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी किसी ठोर टिके ना पाओ। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। कैसे तेरी खुद वर्जी तुझे प्रीत पुरानी मिसरी, मस्त माला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। Yeah.
इसी साल अरिजीत सिंह ने फटा पोस्टर, निकला हीरो, चेन्नई एक्सप्रेस, मिकी वायरस जैसी बहुत सी फिल्मों में अनगिनत बेशुमार गाने दिए। इसके बाद अरिजीत अच्छे स्टार गायक बन चुके थे। अब छोटा मोटा निर्देशक भी अपनी फिल्मों में सारे गाने अरिजीत से गवाने की इच्छा रखता था। उसके बाद अरिजीत सिंह को साजिद वाजिद और ए आर रहमान जैसे बड़े सिंगर के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद एक फिल्म रिलीज हुई, रामलीला, जिस फिल्म का हर गाना बहुत हिट हुआ और उस फिल्म का एक गाना मेरे दिल के बेहद करीब है। चलिए शेयर करते हैं आप सबके साथ वो गाना लाल इश्क। जकड़
सन 2014 में हुई शादी बंगाली रीति रिवाज से हुई थी। कोयल से अरिजीत की ये दूसरी शादी है। कोयल रॉय का एक बेटा भी है। अरिजीत सिंह ने सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी गायकी का लोहा मनवाया है। अरिजीत आज जहां भी स्टेज प्रोग्राम देते हैं, दर्शक उनसे आशिकी 2 का प्रसिद्ध गाना तुम ही हो गाने की फरमाइश जरूर करते हैं। अरिजीत को कई अवार्ड मिले हैं, जिसमें 2 बार फिल्म फेयर का अवार्ड, 1 बार आईफा अवार्ड, 1 बार गिल्स अवार्ड, 1 बार जी सिने अवार्ड और 1 बार यूथ आइकन म्यूजिक अवार्ड शामिल हैं। उसके बाद एक फिल्म रिलीज हुई एयरक्राफ्ट, जिसका एक गाना लोगों को बहुत पसंद आया। चलिए सुनते हैं ये गाना सोच न सके। इतना मैं प्यार करां एक पल विच साबार करां तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके जिंदगी
सके वो ये तो कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। गाने के अलावा बैडमिंटन खेलना, लिखना, मूवी देखना एवं डॉक्यूमेंट्री बनाना पसंद है। अरिजीत ने अपने बचपन के दोस्त कोयल रॉय से 2000 में शादी की, जो हमने आपको अभी बताया। अरिजीत से कलर्स चैनल के प्रसिद्ध शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून के लिए एक गाना हम हैं दीवाने गाया है। इसके साथ ही बंगाली सीरियल तुम आ में मिले के लिए टाइटल ट्रैक भी दिया है। अरिजीत ने आज तक भारत के अलावा विदेश के शो में हिस्सा लिया है, जिसमें सभी दर्शक उनके फेमस गाने तुम ही हो की गुजारिश उनसे करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और उसके बाद 2016 में एक फिल्म रिलीज हुई ऐ दिल मुश्किल, और इस फिल्म का एक एक गाना लोगों के दिलों में इतिहास बन चुका है। अरिजीत आज तक अलग अलग अवार्ड शोज में 70 बार नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 23 अवार्ड जीते हैं। 2013 में तुम ही हो गाने के लिए अरिजीत को 10 जगह नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से वे 9 जगह विजयी रहे। फिल्म फेयर अवार्ड 2, आईफा अवार्ड 1, गिल्ड अवार्ड 2, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 3, जी सिने अवार्ड 2, 2014 में नेशनल इंडियन स्टूडेंट यूनियन यूके ने अरिजीत को यूथ आइकन म्यूजिक अवार्ड 2014 भी दिया था। अरिजीत सिंह ने आमिर खान के लिए भी गाना गाया फिल्म दंगल में। सुनते हैं गाना नया। झूठा जग रैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम
कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए तारे नैना, ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना, कभी जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छांव ढूंढते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्हों चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। जिस तरह से अरिजीत सिंह लगातार नए नए गानों को इजाद कर रहे हैं, वह सिंगिंग में एक नया इतिहास बनते जा रहे हैं। अरिजीत की आवाज के लाखों लोग दीवाने हैं और उनके हर नए गाने का इंतजार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अरिजीत ऐसे ही लगातार हिट गाने देते रहेंगे और अपने फैन को झूमने पर मजबूर करते रहेंगे। आज के लिए शो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा शो पसंद आया तो आप इस शो की रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com पर। और अगर आप इस शो को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com पर। आज के लिए शो में फिलहाल इतना ही। मैं आरजी मिश्री लेती हूँ आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई संघर्ष की कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर, चुपचाप देखता हूँ रिश्तों के सारे मंजर, चुपचाप देखता चुपचाप देखता हूँ।